हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से बहुत प्यारा सा मैक्रम की झूमर का डिजाइन लाई हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट झूमर है, क्योंकि आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और देखिए ये बनके कितना प्यारा लग रहा है, और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये झूमर का डिजाइन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और ऑल के बटन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉर्ड लेनी है। ये कॉर्ड हमारी, एक कॉर्ड हमारी 4 मीटर की है और हमने टोटल 8 कॉर्ड ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और कॉर्ड लेंगे। ये कॉर्ड हमारी 3 मीटर की कॉर्ड है। तो देखिए इस तरीके से हमें कॉर्ड को इसमें अटैच करना है एक साथ। ये हमारी ये 8 कॉर्ड है ना, इन सब में हमें ये वाली कॉर्ड को अटैच करना है। तो हमने एक कॉर्ड को अटैच कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से हमें अटैच करना है। जैसे हम रिंग में अटैच करते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे अटैच करना है। अब देखिए जो ये सभी कॉर्ड है उसके हम एक बार ऊपर से ले जाएंगे, एक बार हम नीचे से अंदर से बाहर की ओर लाएंगे। ये देखिए एक तरफ की, देखिए एक तरफ से हम ये कर रहे हैं। एक बार हमने ऊपर से निकाला और अंदर से बाहर की ओर निकाला, और दूसरी बार हम नीचे से निकालेंगे और अंदर से बाहर की ओर निकालेंगे। फिर हमने एक बार ऊपर से रखा, अंदर से बाहर की ओर निकाला, फिर हमने नीचे से रखा और अंदर से बाहर की ओर निकाला। देखिए फ्रेंड, हमने ये इस तरीके से इतना कंप्लीट कर दिया। ये हमने 17 टाइम्स कंप्लीट किया है। जो हमारा एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, वो नॉट जैसा एक बार बनाया है, वो हमारा वैसे हमने काउंट करते हुए हमने इसको टोटल 17 टाइम्स किया है। तो ये देखिए, इसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर देंगे। इस तरीके से मोड़ने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से सिंपल नॉट लगाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमने एक एक कॉर्ड को पकड़ा है और इस तरीके से हम सिंपल नॉट लगाएंगे। इसको अच्छे से आप सेट कर दीजिए, टाइट से आप खींच दीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पे सिंपल नॉट लगाइए। तो ये देखिए, ये सेकंड टाइम सिंपल नॉट लगा, ये हमने थर्ड टाइम सिंपल नॉट लगाया। इस तरीके से हमें सिंपल नॉट लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप इसको सिंपल नॉट लगा दीजिए और टाइट से ऊपर की तरफ खींच दीजिए। ये देखिए, ये हमने टोटल 10 टाइम्स सिंपल नॉट लगाए हैं। और इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो हमारी 2 कॉर्ड है इन्हें कट कर देंगे और पीछे की तरफ इनको चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से, अब लाइटर से हम पीछे की तरफ इसको स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 2 कॉर्ड हम सेंटर की पकड़ेंगे, एक कॉर्ड के ऊपर दूसरी कॉर्ड को अंदर से बाहर निकालेंगे, दूसरी कॉर्ड को पहली वाली कॉर्ड से अंदर से बाहर निकालेंगे इस तरीके से। अब देखिए, लेफ्ट हैंड की कॉर्ड को राइट हैंड की कॉर्ड के ऊपर रख के अंदर से बाहर निकाला, और राइट हैंड के कॉर्ड को लेफ्ट हैंड के से ऊपर से रख के अंदर से बाहर निकाला। इस तरीके से हमें, ये देखिए
एक को हमें राइट के ऊपर रखना है, एक को हमें लेफ्ट के ऊपर रखना है, इस तरीके से हमें बाहर निकालना है। देखिए फ्रेंड, ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 8 टाइम्स हमने ये इतने कंप्लीट कर दिए हैं। जो हमारा ये एक है बना हुआ है, इसकी पूरी पूरे हमने ये 20 टाइम्स ये हमने कंप्लीट किया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दो को हमने पकड़ा है अगल बगल वाले को, और इन दोनों की एक एक कॉर्ड को हमने पकड़ी है, और इन दोनों कॉर्ड के अंदर हम बीट्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए बीट्स अटैच करके सिंपल नॉट लगा दिया है, ये हमने बीट्स अटैच किया और नीचे से हमने सिंपल नॉट लगा दिया। ये देखिए इसके बाद हम इस तरीके से फिर से हम दोबारा ऐसे करेंगे। ये देखिए ये दोनों बीच के हमने पकड़े हैं, दोनों की जो हमने दोनों डिजाइन हमने बनाए हैं ना, इनके बीच की हमने एक एक कॉर्ड पकड़ी है, इसके अंदर हम बीट्स डाल देंगे और बाहर से हम सिंपल नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे, और ये देखिए ये टोटल हमारे 4 के पेयर बन चुके हैं, एक में 2 है, इस तरीके से हमारे 4 बन चुके हैं। तो ये देखिए इसके बाद हम एक रिंग लेंगे, ये रिंग हमारा है 4 इंच का रिंग है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी ये सभी कॉर्ड्स है ना, इन सभी को हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने एक पहली कॉर्ड पकड़ी है, उसे एक बार डाला और दूसरी बार अंदर डाल के लॉक कर दिया। फिर दोबारा हम दूसरी कॉर्ड पकड़ेंगे, उसे रिंग के अंदर से निकालेंगे और दूसरी बार निकाल के लॉक कर देंगे। इसके बाद हम फिर से थर्ड नंबर के कॉर्ड को फिर से इसी तरीके से हम अटैच करेंगे, और इसी तरीके से हम सभी कॉर्ड्स को एक एक करके अटैच करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये सभी कॉर्ड्स को हमने अटैच कर दिया है। अब जो हमारा बीच में ये स्पेस दिख रहा है ना, इन सभी में हम कॉर्ड अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मीटर की कॉर्ड को अटैच करेंगे, और एक कॉर्ड को अटैच करने के बाद एक कॉर्ड के राइट से और एक बार लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे, इससे हमारा जो ये स्पेस होता है ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा। अब फिर से हम दूसरी कॉर्ड को लेंगे और देखिए इस तरीके से अटैच किया हमने। तो देखिए एक बार हम फिर से राइट से और एक बार हम लेफ्ट से दोनों तरफ से बाहर निकालेंगे। और ये सेकंड कॉर्ड भी हमने अटैच कर दी। फिर हम फिर से एक और कॉर्ड लेंगे और उसे भी हम अटैच करेंगे।
तो हमारे एक पोर्शन में जो हमारा एक गैप है ना, यहाँ पे हमारी हमने तीन कॉर्ड अटैच करी। इसी तरीके से हमें तीन तीन कॉर्ड सभी सेक्शन है, जितने भी अलग अलग सेक्शन है उन सब में अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे कॉर्ड अटैच कर दी है, हमने 12 कॉर्ड अटैच करी है टोटल, और सभी कॉर्ड 3-3 मीटर की कॉर्ड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, फिर से उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर बनाया था उसी तरीके से हमें फिर से करना है। एक बार एक के ऊपर रखना है, एक बार दूसरे के राइट से लेफ्ट के ऊपर रखना है, लेफ्ट से राइट के ऊपर से अंदर रख के अंदर से बाहर की ओर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, एक हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम ये दूसरा वाला कंप्लीट करेंगे। तो पहले वाले में हमारे 8 बार हमने वो कंप्लीट किया है, अब यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से 8 बार कंप्लीट करना है। देखिए 2 बार हमने कर लिया है, ये थर्ड टाइम है, ये 4 टाइम है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये दोनों हमने बराबर में कर दिया है, दोनों को हमने 8-8 बार कंप्लीट किया है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेंटर की इन दोनों की कॉर्ड है इनमें फिर से एक बीट से डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने बीट से डाल दिया और बाहर से हमने एक सिंपल नॉट लगा दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बनके रेडी है। इसी तरीके से हमें, अब देखिए जैसे हमने ये बनाया ना, अब इसी तरीके से हम फिर से दोबारा उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था सेम वैसे हम नीचे फिर से करेंगे। एक बार राइट से लेफ्ट के अंदर रखे बाहर निकालेंगे, एक बार लेफ्ट से राइट के ऊपर अंदर से बाहर निकालना है, फिर एक बार राइट से लेफ्ट की ओर अंदर से बाहर की ओर निकालना है, फिर लेफ्ट से राइट की ओर रखिए। इस तरीके से हमें दोबारा यहाँ पे फिर से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर दिया, जैसे हमने ऊपर बनाया था सेम वैसे हमने नीचे भी बनाया है, और इसी तरीके से हमने दो दो का जोड़ा पकड़ के सब में ये डिजाइन देखिए इसी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए, ये हमने सब कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद हम एक रिंग लेंगे, ये रिंग हमारा है 9 इंच का रिंग, और देखिए अब 9 इंच के रिंग के अंदर से हम ये सारी कॉर्ड्स को इस तरीके से अंदर की ओर निकाल देंगे, रिंग को बाहर की ओर रखेंगे, कॉर्ड्स अंदर रहेगी। अब सभी कॉर्ड्स को हम इसमें फिर से अटैच कर देंगे, एक बार देखिए डाला और दूसरी बार टाइट दोबारा निकाल के टाइट से लॉक कर दिया, एक बार रिंग के ऊपर से अंदर से बाहर की ओर निकाला और दूसरी बार में फिर से डाल के टाइट से हमने उसको लॉक कर दिया। अब इसी तरीके से हम सभी कॉर्ड्स को रिंग में अटैच कर देंगे। Thank you.
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी कॉर्ड्स को इसमें रिंग में अटैच कर दिया है। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बन के निकला है। अब देखिए बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हमें एक कॉर्ड अटैच करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कॉर्ड को अटैच किया। एक बार हम उसको राइट से निकालेंगे और एक बार हम उसको लेफ्ट की तरफ से बाहर निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉर्ड अटैच कर दिया है। फिर हम एक और कॉर्ड लेंगे, उसे भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ इसे भी हम राइट एंड लेफ्ट से दोनों तरफ से बाहर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने टू कॉर्ड अटैच कर दिए है। तो यहाँ पे ज्यादा कॉर्ड हमें कोई अटैच नहीं करनी है, सिर्फ टू कॉर्ड यहीं पे ही अटैच करनी है। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हमें कोई कॉर्ड नहीं अटैच करनी है, इधर पे भी नहीं करनी है। सिर्फ मैंने एक जगह, आप कोई सा भी जगह छांट लीजिए जहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा गैप दिखे, वहाँ पे आप अटैच कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये दो कॉर्ड के अंदर हमें हम बीट्स अटैच करेंगे। तो देखिए ये हमने एक बीट्स अटैच किया येलो कलर का। और दूसरा हमने फिर से येलो कलर का बीट्स अटैच किया। तो ये देखिए ये दो बीट्स हमने अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद हम फिर से दूसरी कॉर्ड लेंगे, उसमें भी हम देखिए फ्रेंड, फिर हम टू कॉर्ड और लेंगे। टू कॉर्ड में हम टू बीट्स फिर से अटैच करेंगे। इसी तरीके से हमें सभी टू टू कॉर्ड्स को पकड़ना है और उनमें हमें टू टू बीट्स को अटैच करना है। मैं तो यहाँ पे मल्टी कलर डाल रही हूँ, आप चाहे तो सेम कलर भी आप डाल सकते हैं, एक कलर में भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बीट्स अटैच किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी बीट्स टू टू कॉर्ड्स में अटैच कर दिए हैं। अब हम दोबारा फिर से 9 इंच का रिंग लेंगे और उसमें हम सभी एक एक करके कॉर्ड्स को पकड़ेंगे और उसको अटैच करते जाएंगे। तो जैसे हमने ऊपर अटैच किया था ना, सेम वैसे ही हमें अटैच करना है। देखिए एक बार हमने रिंग के अंदर से निकाला और दूसरी बार में फिर से अंदर से निकाल के टाइट से लॉक कर दिया है। देखिए फिर से हमें एक बार हमने अंदर से बाहर की ओर निकाला, दोबारा फिर से निकाल के लॉक कर दिया। इसी तरीके से हमें सभी कॉर्ड्स को रिंग में अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी कॉर्ड्स को हमने रिंग में अटैच कर दिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए एक कॉर्ड हमें पकड़नी है, कोई सी भी एक कॉर्ड आप पकड़ना, उसके बगल वाली कॉर्ड को उसमें पाइपिंग करना है। तो ये देखिए ये हमने पाइपिंग की, फिर हमने जो दूसरी कॉर्ड है उसके आगे वाली उसे भी हमने पाइपिंग किया है। तो पाइपिंग हमें तिरछे में करनी है। तो ये देखिए नीचे नीचे की ओर हम पाइपिंग करते जा रहे हैं। तो ये देखिए ये 3 बार हमने पाइपिंग कर दी है, एक कॉर्ड में हमने 3 कॉर्ड से पाइपिंग की है। अब उसकी पहली कॉर्ड हम पकड़ेंगे, जो 3 कॉर्ड से की थी ना, उसकी पहली कॉर्ड हमने पकड़ी और उसके ऊपर हमने 2 कॉर्ड से पाइपिंग की है। तो ये देखिए 2 कॉर्ड से पाइपिंग कर दिया और जो सबसे आगे वाली कॉर्ड है उससे भी हम इसमें पाइपिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने पाइपिंग कर दिया है। अब सेम हम यहाँ पे भी इसी तरीके से एक कॉर्ड को पकड़ेंगे और उसके आगे की 3 कॉर्ड से हम पाइपिंग करेंगे।
देखिए ये तीन कॉर्ड से हमने पाइपिंग कर दिया है। अब हम फिर नीचे वाली जो कॉर्ड है सबसे पीछे लास्ट के कॉर्ड उसे हम पकड़ेंगे और यहाँ पे भी हम तीन कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी हमने तीन कॉर्ड से पाइपिंग कर दिया है। अब जो दो कॉर्ड हमारी सेंटर में आ चुकी है वहां पे हम क्या करेंगे, देखो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से हमारी एक एक कॉर्ड आ चुकी है। ये देखिए ये बीच वाली कॉर्ड में हमने एक बीड से अटैच कर दिया है और नीचे से हम यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। सेम अब हमें आगे भी इसी तरीके से करना है। तो देखिए फ्रेंड हमने सभी आगे इसी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनके और कितना सिंपल सा था, देखिए कोई भी टफ नहीं था, बहुत ही आसानी से बन गया। अब हम नीचे जो हमारी ये फोर कॉर्ड है ना, दो कॉर्ड राइट की दो कॉर्ड लेफ्ट की फोर कॉर्ड बीच की, अब यहाँ पे हम एक सिंपल नॉट लगा देंगे बीच में। तो ये देखिए ये बीच में हमने एक सिंपल नॉट लगा दिया है। सिंपल नॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हम नाम हमारा ये वाला है ना कॉर्ड, इसके हम बीच वाली कॉर्ड पकड़ेंगे, जो बीड से अटैच किया था उसके नीचे की बीच वाली कॉर्ड को पकड़ेंगे, उस पर हम पहले किनारे वाली कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे, फिर इसकी हम टू कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी तीन कॉर्ड्स हो जाएगी। तो ये देखिए तीन कॉर्ड से हमने पाइपिंग कर दिया। अब यहाँ पे भी हम देखिए इसी तरीके से हमारा जो ये पिंक वाला बीड्स है इसके बीच वाली कॉर्ड्स को हम पकड़ेंगे और इससे पहले हम किनारे वाली कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे, फिर जो दो अंदर की कॉर्ड है उन दोनों से पाइपिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पे भी उसी तरीके से देखिए ऊपर की कॉर्ड हम पकड़ेंगे और उसके ऊपर हम ये तीन कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। ये देखिए पहली कॉर्ड से पाइपिंग किया, दूसरी कॉर्ड से पाइपिंग किया एंड तीसरी कॉर्ड से पाइपिंग किया। ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने सेम ऊपर किया था सेम वैसे ही हमने नीचे भी किया है। अब यहाँ पे भी हम इसी तरीके से एक कॉर्ड को पकड़ेंगे और उसके ऊपर हम ये देखिए ये वाली कॉर्ड हमने पकड़ी है और उसके ऊपर हम तीन कॉर्ड से पाइपिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो बीच वाली टू कॉर्ड्स है इसके अंदर भी हम फिर से एक और बीड डाल देंगे। तो ये देखिए ये बीच वाले के अंदर भी हमने बीड डाल दिया है और बाहर से हम एक सिंपल नॉट लगा देंगे। अब सेम हम यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए जैसे जो हमारे आगे के ये है ना ये सब जैसे हमने सेम ये बनाया है सेम हम यहाँ आगे वाले डिजाइन में भी बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। ये हमने 2 टाइम्स बनाया है। पहले हमने ये बनाया, फिर नोट बनाए, फिर दोबारा हमने ये बनाया, फिर हमने नोट बनाया, फिर हमने दोबारा ये डिजाइन बनाया पाइपिंग वाला, फिर हमने देखिए लास्ट में नोट बना दिए। तो ये हमने 2 टाइम्स ये कंप्लीट किए हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है पूरा डिजाइन। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक 10 इंच का रिंग लेंगे। 10 इंच के रिंग में हम फिर से ये देखिए इस तरीके से एक एक कॉर्ड को पकड़ेंगे और सभी कॉर्ड्स को इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कॉर्ड को हम पकड़ेंगे और 2 कॉर्ड को पकड़ने के बाद हम इसमें ये ऑरेंज कलर का बीट्स है ये हम इसमें अटैच करेंगे, और साथ में हमारे पास मटके वाला बीट्स है ये भी हमने इसमें अटैच किया। तो ये देखिए ये दोनों कॉर्ड में अटैच कर दिया। अब यहाँ दूसरी कॉर्ड है, ये 2 कॉर्ड है, इसमें भी हम एक बड़ा वाला बीट्स अटैच करेंगे और एक मटके वाला बीट्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे भी हम फिर से इसी तरीके से ये देखिए ऑरेंज कलर का और मटके वाला बीट्स अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने चारों में मटके बड़े वाले बीट्स और मटके वाले बीट्स अटैच कर दिए हैं। अब ये दो जो हमारे 2 मटके वाले बीट्स हैं इनके नीचे की 4 कॉर्ड्स को लेके एक सिंपल नॉट बना देंगे। और यहाँ पे भी हमारी जो ये 4 कॉर्ड्स हैं इन 4 कॉर्ड्स को लेके इनके नीचे हम एक सिंपल नॉट बना देंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसके बाद हमने इन दोनों को देखिए ऐसे अलग अलग कर दिया है। और अब इनके अंदर भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी देखिए हमने 2 कॉर्ड्स के अंदर फिर से एक और बार मटके वाला बीट्स डाला है। देखिए मटके वाला बीट से डालने के बाद हम बड़ा वाला बीट से डालेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे भी हम फिर 2 कॉर्ड्स को लेंगे और यहाँ पे भी हम पहले मटके वाला बीट से डालेंगे फिर बड़ा वाला बीट से डालेंगे। देखिए बाहर से हम एक सिंपल नोट बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिजाइन तैयार हो चुका है। ये देखिए पहले हमने बड़े वाले बीट्स, फिर मटके वाले, फिर मटका वाला फिर से, फिर बड़ा वाला बीट्स है। अब यहाँ पे हम फिर से मटके वाला बीट्स डालेंगे। और देखिए यहाँ पे भी अब हम फिर उसी तरीके से करेंगे।
ये देखिए दो कॉर्ड्स लेंगे, इनमें हम पहले बड़ा वाला बीट से डालेंगे फिर मटके वाला बीट से डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये पूरा डिजाइन बनके रेडी है। ये हमने देखिए आराम से पहले दो बड़े वाले डाले फिर मटके वाले फिर मटके वाले फिर दो बड़े, इस तरीके से हमने ये तीन बार ये लाइन कंप्लीट करी है। अब देखिए इसके बाद हम सभी फिर से हम एक और रिंग लेंगे, ये रिंग भी हमारी 10 इंच की रिंग है और इस पे हम सभी कॉर्ड्स को अटैच करेंगे एक एक करके। बस कोई भी कठिन नहीं है ये, आप समझ जाना, पहले दो बड़े बीट से डालना है फिर मटके वाले बीट से डालने हैं फिर नोट बनाना है फिर उसके नीचे फिर मटके वाला बीट आएगा फिर बड़ा वाला बीट आएगा फिर नोट बनाना है। तो बस सिंपल इतना ही है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं बन पाएगा। और देखिए अब जब मैं इसको रिंग में अटैच कर दूंगी तो ये डिजाइन भी कितना खिलके आएगा। जैसे हमने ऊपर वाला डिजाइन हमने रिंग में अटैच किया तो देखिए ऊपर का डिजाइन कितना खिलके आ रहा है, सेम वैसे ये बीट्स भी जब हम रिंग में अटैच कर देंगे ना तो देखना ये कितना सुंदर लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से सभी कॉर्ड्स को इसमें एक एक करके पाइपिंग करते जाएंगे अटैच करते जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी एक एक कॉर्ड्स को छोटे से बड़ा काटते जाइए और उनमें बेल्स और बीट्स अटैच कर दीजिए। ये तो आपको आता ही है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद बस आपका ये रेडी है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये रेडी है, कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है और देखा आपने कितने आसानी से बन गया। देखिए यहाँ पे हमने सबसे टॉप की जो कॉर्ड है उसे हमने छोटा कट किया, उसके बाद धीरे 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 नीचे आते आते हमने कॉर्ड को साइज एक एक इंच बढ़ाते गए हैं और बाद में उनमें बीट्स और बेल्स अटैच कर दिया है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर बन के आसानी से और बहुत ही आराम से, आप अगर बिगनर हो तो आप बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और आप ज़रूर बनाइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।